आज जो मेंशन 10-10 स्टॉक्स है उनका एक क्विक रैप अप देख लिया जाए। HCL टेक कॉन्ट्रैक्ट ये कहें डील विन के चलते, TVS सप्लाई चेन भी ऐसे ही डील विन के चलते सिंगापुर में डायमलर से, गो डिजिट अपने Q4 परफॉर्मेंस रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद है इसीलिए ग्रीन, इकरा IT डिमांड नोटिस आता हुआ इसीलिए लाल, दालमिया भारत और पैराडी फॉस्फेट आज, कल आंध्रा की कंपनियां ली थी तो आज मेंशन कर रहा हूं कुछ ओडिशा सेंट्रिक कंपनी, आज CM की शपथ ग्रहण समारोह है, IOL केमिकल्स को यूरोप से एक दवा का अप्रूवल मिलता हुआ, 361 रैम की आज बोर्ड मीट, प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने डॉलर, TCNS क्लोदिंग में कल लास्ट ट्रेड में एक फंड ने चेकआउट करा अच्छी तेजी के बाद स्टॉक तो लाल रखा है, और डॉलर इंडस्ट्रीज ने अपना अपडेट शेयर करें साउथ इंडिया में थ्रस्ट बढ़ाने के इसीलिए सिर्फ ग्रीन कर दिया, 10 हो गया भाई साहब। बहुत बढ़िया, और मेरे 10 की टीम में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे IT स्टॉक्स और खबरों वाले शेयर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल के आम में 160 करोड़ रुपए डालने का जो है निर्णय लिया है, तो ये भी स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। BL कश्यप एंड सन सेबी का इनको नोटिस आया है, कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाले हैं रेगुलेटर्स, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव, हालांकि इनको 1,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर भी हाथ लगा है। LTI माइंट्री, विप्रो, बहुत सारे न्यूज़ हैं IT स्टॉक्स के अराउंड, तो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। क्वेस्ट कॉर्प, अब ब्लू कॉलर जॉब्स भी कंपनी रिक्रूटमेंट के तरीके से करेगी, तो ये भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। खबरों के पीछे दो बल डील्स हुई कल, ओम इंफ्रा और एडोर वेल्डिंग, और दोनों ही शेयर्स में क्वांट म्यूचुअल फंड ने चेक इन किया है, इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, तो शायद आज भी ये स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिले। यूनाइटेड स्पिरिट्स और वेल्सपन इंडिया दोनों ही स्टॉक्स FT यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के चलते फोकस में रहेंगे, कल पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट आया था, और सिटी की बाय कॉल है इंडसइंड बैंक पे 2000 से ऊपर के टारगेट्स के साथ, तो ये भी स्टॉक्स रखिए अपने रेडार। आपकी टीम्स पे अगर आपके स्क्रीन पे टीम्स थी, जरा एक बार निफ्टी की ट्रैजेक्टरी को लेके आइए। एज ऑफ नाउ बिल्कुल फील ये हो रहा है कि जो गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा था, दिखा रहा था, उससे कहीं अलग एज ऑफ नाउ ये ओपन दिखाई दे रहा है। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, आपके टीम्स में से दो ट्रेड्स क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। देखिए, अगर राशि जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया लगता है वो है पैराडीप फॉस्फेट। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक ब्रेकआउट हुआ था परसों के दिन और कल का दिन एक पॉज था, और मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 85 का होगा, 75 पे ये खुल रहा है, लेकिन हमें स्विंग ट्रेडिंग भी तो करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होना चाहिए करीबन 81 का, 80-81, अगर वो निकल जाए तो 85 तक की जगह खुलेगी। तो पैराडीप फॉस्फेट बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 73 का, 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके काम करें। यतीन जी की टीम देखे तो देखिए IT पे फोकस रहेगा, IT अभी भी अच्छा ही है। मुझे लगता है कि विप्रो अगर इसमें से अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो भी हो रहा है, क्योंकि इसमें वीकली चार्ट बहुत बढ़िया है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखना है तो मुझे लगता है कि एट ए लेवल ऑफ 478 में क्लैश के लेवल्स की बात करो, मुझे लगता है ये करीबन 495 and 500 तक तो एक स्विंग ट्रेड देना चाहिए इंट्राडे बेसिस पे, तो एट ए लेवल ऑफ 478-475 के ऊपर बाय बनता है हमारा टेक्निकली, तो 468 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग करें विप्रो। चलिए रखिए इन दोनों। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।